आपके किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए चुप शांत बैठा हैं। कभी दस जन पर इनकी तो नियम अब लोकतांत्रिक चुने हुए विधायक, लोकतांत्रिक चुने हुए विधायकों ने अपना शुरू कर रहे हैं। हमारा इतिहास है मत्था टेकने का, यह मत्था सरकार बनानी हो तो यहाँ मत्था टेको, वहाँ मत्था टेको। ईगो का मस्त, ठीक है, एक सेकंड। ऐसा आपको लगता बड़ा एक्साइटमेंट होता बोल रहा है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे मत्था टेकिए, वक्त जाया हो रहा है। तो देश और राज्य के हित में ऐसे कंफ्यूज्ड नेताओं को लाने से बेहतर है कि राज्यपाल का जो है शासन चले, ताकि जो काम है वो चलता रहे। ये तो मिश्रा जी, आवाज आपकी बहुत तेज है, सारे किसी को आप बंद कर सकते हैं पता है, लेकिन लोगों को बोलने दीजिए, सुनिए। एक सेकंड। और एक मिश्रा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए, अब मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं महाराष्ट्र संकट पर। एक मिश्रा जी, क्या लगता है आपका राजनीतिक आकलन अब क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जो खबरें आ रही है, अब आगे की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक होता है कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट। आप जरा अभी कुछ दिन पहले का हरियाणा का जब रिजल्ट आया था, और हरियाणा में ऐसे ही कुछ हुआ, जब आप अमित शाह को याद करिए, वो तुरंत जो है वहां पे पहुंचे और एक दो दिन के भीतर सारी चीजें मैनेज हो गई। मैं तीनों पार्टियों से बोलता हूं, आप लोग इतने सुस्त हैं, ऐसे हैं, बात चल रही है, चिट्ठी टाइम पे नहीं पहुंचा पाए, बस पूरी दुनिया में आपने सूचना ढिढोरा पीट के, ढोल पीट के आप लोगों ने पहुंचा दिया, सरकार हम बनाएंगे, हमारे पास 200 विधायक 172 विधायक हैं, लेकिन राज्यपाल के पास आप ये सूचना नहीं पहुंचा पाए। अब होगा क्या, मैं आपको बताऊं। देखिए, यहां ये राजनीति है, राजनीति पॉलिटिकल अखाड़े में और युद्ध में दया के लिए आप याचना मत करिए। ये उदाहरण आज के भी उससे सिद्ध हो गया है। अब शिवसेना वेट कर रही है, एनसीपी कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगा कि जो ताना बाना इन लोगों को बुनना चाहिए था, क्विक एक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन, शार्प डिसीजन और क्विक एक्शन और इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं। अब आगे जो होगा भुगतेंगे, आगे होगा क्या, ऑप्शन क्या है। अब सारी की सारी देखिए, राज्यपाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला या एक पार्टी ने मना कर दिया, तो वहां राज्यपाल की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है और उनके बड़े विशेषाधिकार होते हैं, आप उसको चैलेंज करते रहिए बाद में सारी चीजें हो। लेकिन यह है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज थोड़े दिन तक चलेगा, और इसका उद्देश्य जो ये जो नाटक महाराष्ट्र का है सरकार बनाने की कवायद का, अभी ये सुलझा नहीं है, भले ही नहीं, नहीं, तीनों पार्टियों में कोई अभी तक कोई सहमति नहीं हुई ना। आप ये तो बता रहे हो कि उनको 48 घंटे दिए, हमें टाइम नहीं दिया, आप इतने दिनों में ये नहीं बता सके थे कि आपका कॉमन एजेंडा क्या है, कॉमन एजेंडा क्या। और आज 19 सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए था ना, आपका आपस में ही समझौता नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा सुचिता रखनी चाहिए आपको, सुधार करने के लिए कैसे मगर एक मिश्रा जी जल्दी से कमेंट, फिर मैं संजय द्विवेदी जी के तरफ। सवाल ये है, एक होता है कॉन्फिडेंस, राज्यपाल महोदय इन सारी नौटंकी को देख रहे थे, उनको लगा ना बीजेपी ने तो खैर सीधे सीधे बोल दिया, शिवसेना और ये तीनों पार्टियों का, उनको लगा कि ये तीनों मिल करके भी या अकेले भी इस कंडीशन में नहीं है कि ये अच्छी सरकार एक दे सके, स्टेबल सरकार दे सके। ये इतने दिनों से सोच लिया, अरे सुनिए, कल्पना में आप फंस हो गई, आप अभी मौका नहीं है, ये तीनों पार्टियां एक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाए, राज्यपाल कल्पना के लिए उनसे बात होगी, वो निर्णय लेंगे, अभी दिल्ली गए हैं, अभी जनता बात गए हैं, यही चीजें चलती रही, ये तीनों पार्टियां कॉन्फिडेंस में जनता के मन में, राज्यपाल महोदय के मन में कॉन्फिडेंस। चुनौती पहले दिन से दे रहे हैं और तीन दिन अभी आपको और चाहिए, पहले दिन से 172 नेताओं को लेकर के जेब में घूम रहे हैं, थोड़ी करेंगे संवैधानिक दायित्व उन्हें मिला, उसके हिसाब से काम करना चाहिए उन्हें, अगर समय मान रही थी शिवसेना तो उन्हें मिलना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय दिया जाता है तो शिवसेना को भी पूरा टाइम दिया जाना चाहिए, और 5 साल का समय कम तो
राष्ट्रीय शासन लागू कर 5 साल में समय कम था आपका, क्यों नहीं 200 सीट लिया है? ठीक है ठीक है, आप 200 सीट लिया था, आप 200 सीट लिया था, ठीक है। एक सेकंड, आप सब लोगों से मैं चाहूंगा, एक सेकंड अता साहब, एक मिश्रा जी, संजय द्विवेदी जी, एक सेकंड, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए चुप शांत बैठा रहे। चाहते हैं कभी मौका मिले अता साहब, मत्था टेकने की राजनीति ये लोग चाहते हैं, कभी मातोश्री में जाओ, कभी 10 जन पर, इनकी तो नियत। अब लोकतांत्रिक चुने हुए विधायक थे, लोकतांत्रिक चुने हुए विधायकों ने अपना निर्णय लिया, उसके सुन ले, मुझे समय मिलना चाहिए, इंटरप्ट समय मिलना चाहिए। अता साहब, एक मिश्रा जी, एक सेकंड, बीजेपी की बात आने दीजिए, एक सेकंड सर, संविधान मूल्यों देखने की राजनीति ईगो का मसला है क्या? मत्था टेकने के लिए मातोश्री आकर के पार्टियां नाक रगड़े, उसके बाद में आप आने के, ठीक है मैं आपकी तरफ आऊंगा, मगर अनिरुद्ध सिंह गलती हुई ना, कहीं का मौका मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले, बाद में जिसको उसने काउंटर करना काउंटर करे। वहां पे क्या हो रहा है ये सबको पता है, चाहे यहाँ पैनल कौशिक जी बैठे हो, चाहे मिश्रा जी बैठे हो, इन सबको पता है, कौशिक जी बोलेंगे नहीं, लेकिन इनको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। लेकिन एक कॉमन स्टेटमेंट इन तीनों लोगों का नहीं आया, नहीं आया, राष्ट्रपति साहब प्रिवेल होने वाली, एक सेकंड, और राष्ट्रपति साहब प्रिवेल हुआ, एक सेकंड, ड्यू फॉर शिवसेना, एक सेकंड सर, एक इमरजेंसी लगाने वालों से लोकतंत्र नहीं सीखना है, लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी में लगा गया, आपको लगता बड़ा एक्साइटमेंट होता भूल द्वारे द्वारे मत्था टेकिए, वक्त जाया हो रहा है। एक मिश्रा जी, जाहिर तौर पर राहुल लाल जी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई राज्यपाल की तरफ से, ये प्रक्रिया पहले अपनाई जानी चाहिए थी, 15 दिन गुजर जाने के बाद में बीजेपी को न्योता देते हैं, उसके बाद घंटों और मिनट में एनसीपी और शिवसेना को मौका देते हैं, ये राज्यपाल का ढुलमुल रवैया सा रहा, इसके पीछे मंशा बता रहे कि केंद्र के टूल के तौर पर काम कर। देखिए मुझे क्या लगता है ना कि शायद राज्यपाल ने बीजेपी को न्योता नहीं दिया था, बीजेपी ने अपने आप बोल दिया था कि भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे, यही है ना खबर जो है नहीं चली थी कि राज्यपाल ने ऑफिशियल तौर पे किसी को न्योता दिया। सवाल यह है, देखिए लोकतंत्र में ऑफिशियली न्योता मिला था मिश्रा साहब, अच्छा ठीक है मैं करेक्ट कर लेता हूँ, तुरंत बीजेपी ने मतलब बोल दिया एकदम क्लियर कट, उसने जनता को और अपने देश का संविधान का समय नष्ट नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला ना कि ये तीनों पार्टियां मिलके पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट को आपको मैनेज करना है, देश को, प्रदेश को मैनेज करना है, मैनेजमेंट नाम की इसके लिए कोई चीज दिख ही नहीं रही है, तीनों पार्टियां मिलके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाई। आपसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब किसी और चीज का आप दे रहे हैं, अब जवाब आ गया। तो देश और राज्य के हित में ऐसे कंफ्यूज्ड नेताओं को लाने से बेहतर है कि राज्यपाल का जो है शासन चले, ताकि जो काम है वो चलता रहे। तो देश और राज्य के हित में ऐसे कंफ्यूज्ड नेताओं को लाने से बेहतर है कि राज्यपाल का जो है शासन चले, ताकि जो काम है वो चलता रहे सुचारू रूप से। अभी ऐसे कंफ्यूज्ड पार्टियों को अगर सरकार बना लेते तो 10 दिन के बाद फिर जैसे कर्नाटक में हुआ, 10 दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति शासन अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मानती ही नहीं, शासन की शासन शासन की प्रक्रिया लोग कंफ्यूज है, अगर आपका शासन उनके अंदर शासन राहुल लाल जी, ठीक है एक सेकंड, संजीव कौशल के नेता नहीं है, हटाइए उनको, एक सेकंड, संजीव कौशल जी राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, इतना विश्वास करता है
आप ही के वो सवाल है जो इस वक्त उठ रहे हैं, आप ही की पार्टी के वो सवाल है जो उठाए जा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, थोड़ा सा आप खामोश रहे, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। संजीव कौशिक जी, जाहिर तौर पर राज्यपाल का इस्तेमाल पार्टियों ने, सरकारों ने किया है, चाहे कांग्रेस के वक्त में रहा हो या फिर मौजूदा वक्त में हो, एक अलग बात है। राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है। आखिर एनसीपी ने आज 11:30 बजे ये चिट्ठी लिख करके क्यों कहा कि हमारे पास में बहुमत का आंकड़े की चिट्ठी, समर्थन की चिट्ठी नहीं है, हमें 3 दिनों का वक्त चाहिए? क्या इसको आधार बनाकर राज्यपाल ने अगर सिफारिश की तो क्या वो ठीक नहीं थी? सीधी सी बात है कि राहुल लाल ने जो सवाल खड़ा किया है, मेरे जहन में भी यही सवाल है कि यदि आपको इतनी बेचैनी थी तो ऐसी क्या ग्राउंड पर आप तो कह रहे हैं ना हमारे पास समर्थन की चिट्ठी नहीं है, हमें और वक्त नहीं दिया, इसका मतलब क्या माना जाए? राज्यपाल के मंशा पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? को बहुत कुछ चाहिए था, कंफ्यूज है और जनता को राज्यपाल को राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार राज्यपाल के शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। मिश्रा जी आवाज आपकी बहुत तेज है, सारे किसी को आप बंद कर सकते हैं पता है, लेकिन लोगों को बोलने दीजिए, सुनिए। मिश्रा जी आवाज आपकी बहुत तेज है, सारे किसी को आप बंद कर सकते हैं पता है, लेकिन लोगों को बोलने दीजिए, सुनिए। मैं जानना चाहता हूँ, जा देंगे बता दूंगा सवाल क्या रहे हैं, क्या राज्यपाल का ग्राउंड बनाना सर, एक सेकंड, क्या राज्यपाल का वो ग्राउंड बनाना, अरे सर खामोश रहिए, क्या राज्यपाल का 11:30 बजे की एनसीपी की चिट्ठी को ग्राउंड बना करके रिकमेंड करना राज्यपाल शासन के लिए उचित नहीं है? 8:30 बजे उन्होंने निर्धारित किया था मीटिंग उनके साथ होनी थी, उससे पहले इतनी जल्दी क्या थी? अरे राज्यपाल आपको और एनसीपी ने भेज दिया शिवसेना को कि जाइए सरकार का गठन कीजिए, फुटबॉल बना करके रख दिया आप दोनों ने शिवसेना को, समर्थन की चिट्ठी थी कर दी, आप बात करते हैं सर, फुटबॉल किसी ने समय मांग रहे थे, राज्यपाल को भी राज्यपाल उनको नहीं पता क्या नाटक चल रहा है, वो 170 की जो लिफाफा लेके संजय राउत जी खड़े रहे तो कहां गया प्रधानमंत्री वही सरकार बन जाती है। पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी राहुल जी मेरा सवाल यह है कि क्या सर एक सेकंड चर्चा को आगे ले जाने दीजिए, अगले मुख्यमंत्री मिश्रा साहब, जब राज्यपाल, क्या राज्यपाल को सबसे बड़े गठबंधन जो कि प्री पोलो अलायंस था उसको नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि क्या जो प्री पोल अलायंस था सबसे बड़े गठबंधन को एक साथ राज्यपाल को नहीं बुलाया जाना चाहिए था, और उसके एक सेकंड उसके बाद में दूसरे बड़े गठबंधन को जो प्री पोल अलायंस था एनसीपी और कांग्रेस को, उसको नहीं बुलाया जाना चाहिए था? ठीक है, ऐसा अगर नहीं किया, सिंगल सिंगल पार्टियों को बुलाया, तो फिर कांग्रेस को राज्यपाल ने क्यों नहीं न्योता दिया? जब्बार जी देखिए, आप यहां ये बोल रहे हो ना कि सारी मैच्योरिटी और मर्यादा राज्यपाल को दिखानी है, क्या ये नेता दिखाएंगे? वो क्या कर रहे थे, दलिया खा रहे थे क्या? इतने बड़े नेता बैठे तो हजार अंदर ही दबा रहे थे, आपका कोई दायित्व नहीं है, आप फ्री फंड घूमते हो,
इनका कोई बड़े बड़े नेताओं का कोई दाई राज्यपाल राज्यपाल दल जनपद में मत्था टेकने नहीं आएगा, राज्यपाल दल जनपद में मत्था टेकने नहीं आएगा। लेकिन आप सभी आपके पार्टी आवंटन बराबर बराबर करना पड़ेगा। फिर कहता कि आप जो राज्य के राज्य पाल कर्तव्य की बात कर रहे हैं। अब इनके हिसाब से राज्यपाल सारी पार्टियों के हेड ऑफिस जाते हैं, मत्था टेकते हैं। शरद पवार जी को आप लोग खुद सरकार नहीं बना सकते हैं, बनाना चाहते नहीं है, आपके पक्ष में नहीं। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सारे जिम्मेदार पार्टियां थी। इन पार्टियों के नेताओं का क्या कर्तव्य है? इन पार्टियों के नेताओं का कर्तव्य यह नहीं था कि हम आपस में समझ करके राज्यपाल हर जगह वेट करते हैं कि पार्टियां आए। ये राज्यपाल की मर्यादा नहीं है कि रिजल्ट आया और चले सब पार्टियों को बोलने कि भैया आ जाओ सरकार बना लो। आपको लग रहा था आप अपने चश्मे से देखने के लिए सबकी आवाज इस स्टूडियो की आवाज म्यूट कीजिए, मुझे संजय द्विवेदी जी की तरफ जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा सवाल लीजिए और आवाज यहाँ के बंद कीजिए। एक सेकंड संजय द्विवेदी जी एक सेकंड सर, ठीक है ठीक है एक सेकंड संजय द्विवेदी जी आंगन टेढ़ा ठीक है संजय द्विवेदी जी आप सबकी आवाज बंद है। एक सेकंड सर, सर आप सबकी आवाज बंद है। संजय द्विवेदी जी अब क्या क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि कांग्रेस और एनसीपी आपके पास में समर्थन की चिट्ठी लेकर के आएगी, या वो दोनों एक साथ होंगे, आप उनके साथ सरकार में शामिल होंगे? अब तस्वीर क्या बन रही है इस बीच में, क्योंकि उद्धव ठाकरे उधर मुलाकात कर रहे हैं और शरद पवार अपने कांग्रेस के सहयोगी दलों के सहयोगी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जब बात एक बात स्पष्ट कर दूंगा आपको जब बात मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ आपसे कि शिवसेना ने कभी भी मैंने पहले भी एक बात कही है डिबेट में कि शिवसेना कभी सरकार बनाने की राजनीति नहीं करती है। हमारा जो काम है 80% समाज सेवा। ठीक है सर, आज बीजेपी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए सर, जो है भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से बना कर उनको बोलने दीजिए, सबके साथ मिलकर सरकार बना ले जिससे हमारा महाराष्ट्र का विकास हो चुके। अरे सर आप ये बताइए क्या है पिक्चर क्या है? एनसीपी एनसीपी कांग्रेस का समर्थन आपको मिल रहा है, मुख्यमंत्री आपका ही होगा, ढाई ढाई साल का फॉर्मूला होगा, अभी स्थिति क्या है सर? आज राष्ट्रीय शासन को लागू हो गया,
कि वो उद्धव सरकार में रहना है या सर मत छेड़िए। अरे सर कितना छेड़ेंगे, ठीक है हमारे साथ तो खुले दरवाजे हैं, शिवसेना तो कह रही है लिफाफे आइए आप, उस लिफाफे में कोई बता नहीं था क्या कहा वो बनाइए आप, अब तो भारतीय बयान कहां जाए तो वो भी बता दीजिए आप, कौन सा बयान, ठीक है आप प्रवक्ता हैं कि संवैधानिक विशेषज्ञ संजीव कौशिक, ठीक है ठीक है एक सेकंड की बात करें, एक सेकंड संजीव कौशिक जी प्रधानमंत्री की माता की बात करें कौशिक, अब ऐसी स्थिति में क्या सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में या फिर राष्ट्रपति शासन ही रहेगा? देखिए राष्ट्रपति शासन का मतलब ये नहीं होता है कि सारे रास्ते खत्म हो गए, सारे रास्ते खत्म हो गए ऐसा नहीं है, हाँ कोशिश सहमति नहीं बन पा रही, कोशिशें जारी है, इसमें प्रधानमंत्री सरकार है, इसमें अब राज्यपाल महोदय इसमें राज्यपाल महोदय ने जिस तरह से लगता है कि बेवजह वो बीच में आ गए हैं और एक फजीहत उनकी हो रही है, नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है संजीव कौशिक जी कि राज्यपाल के इस पहल के बाद में ये जो वक्त ज्यादा ले रहे थे थोड़ा कम वक्त लेकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या कर रहे थे संजय राउत, क्या बोल रहे थे हमारे पास प्लान बी है प्लान सी है, देखिए राज्यपाल स्टेट ऑफ हेड होते हैं उनको भी पता है क्या हो रहा है वहाँ पे, उनको पता है सरकार कोई नहीं बना सकता, पॉलिसी पैरालाइज हो रही थी वहाँ पे, फंड रिलीज नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, हम आगे की बात करें इससे आगे की बात करें, राज्यपाल महोदय जो कर रहा था उन्होंने कर दिया, लगातार कोशिशें जारी होती रहेगी, ये तो तय है कि अब शिवसेना किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रही है, देखना यह है कि क्या कांग्रेस या एनसीपी की बात हो या शिवसेना की बात हो, ऐसा नहीं है कि यदि वहां पे वो समझौता करके कदम आगे बढ़ाते हैं तो केंद्र में भी इस तरह की कोई सहमति बनती है, ये राज्य स्तर पर यदि कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं जिसपे लगातार, चूंकि ये आप एक चीज को ध्यान में रखें कि सारे ये अलग अलग धुरी हैं, यदि एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बगैर किसी प्लान के वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए शिवसेना ने कहा कि हमें मोहलत दीजिए हमें चाहिए, ये हड़बड़ी केवल राज्यपाल महोदय ने दिखाई कि उनको हड़ताल चाहिए, संजय रावत जी तो पहले दिन से उद्धव जी ठाकरे चिल्ला रहे थे, क्या लिखा क्या लिखा राज्यपाल जी ने, क्या लिखा राज्यपाल ने अपनी गरिमा दिखाई कि वहां देख देखते हुए दो सप्ताह तक सोए रहे, फिर आप उसी पे आएंगे दो सप्ताह तक सोए रहे अचानक क्या दो सप्ताह तक सोए रहे, एक सेकंड एक सेकंड कार्यक्रम क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार बनेगी, एक सेकंड सर सर एक सेकंड एक सेकंड सर इस सवाल को थोड़ा आगे ले जाने दीजिए, सर इस सवाल को थोड़ा आगे ले जाने दीजिए, रफीता साहब रफीता साहब आप सभी और शिवसेना के प्रवक्ता से भी एक सेकंड सर एक निशा जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक सेकंड मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, संजय द्विवेदी जी क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है एनसीपी कांग्रेस के साथ में शिवसेना के जिसकी बुनियाद पर सरकार का गठन होगा या 50-50 का फॉर्मूला होगा? जब जी अगर हमसे आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग रहा है उसे अगर चुनाव होते हैं तो खर्चा महाराष्ट्र पे पड़ेगा, उस बोझ से बचने के लिए अगर एक सरकार गठित होती है जो प्रदेश को में विकास करे सुशासन की बात होती है तो आप लोग तैयार करें जी, ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री एनसीपी कांग्रेस का और ढाई साल शिवसेना का, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विचार ठीक है ठीक है, रफीता साहब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किन बातों पर जोर दिया जाएगा, क्या वो उद्धव ठाकरे इस बात पर एग्री करें कि किसी भी राज्य से कोई भी शख्स आकर यहाँ नौकरी कर सकता है, उत्तर भारतीय कोई दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर जो अभी तक शिवसेना का रुख रहा है वो रुख खत्म हो जाएगा, हार्ड लाइन को शिवसेना अख्तियार नहीं करेगी, कैसा होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? सभी चीजें ध्यान में रखकर बनाई जाती है, वो नेतृत्व जो है उन चीजों को तलाश रहा चाहे इनका द्विवेदी जी का शिवसेना का नेतृत्व हो हमारा नेतृत्व हो या एनसीपी का नेतृत्व हो सारा ये चीजें सोच रहे हैं, दो दिन अभी रुकी आप आज शाम आज रात तक देर रात तक कल तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, मुझे विश्वास है कि लोकतांत्रिक रूप से और लोकप्रिय सरकार महाराष्ट्र में जरूर बनेगी, ठीक है मिश्रा जी, क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद ये है कि सरकार में शामिल हो या बाहर से समर्थन दे, क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद ये है और सारे लोगों के लिए
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं ना, पहले ये एक प्रोग्राम बना ले कौन किसके दरवाजे पे मत्था टेकेगा। मत्था टेक राजनीति हो रही है, ये चीज हो जाए सरकार बन जाएगी। ठीक है, लड़ाई केवल यही मत्था टेकने की है। ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहे हैं बीजेपी सरकार चेहरा आपके अनुकूल होते तो हो रहा है, वो टेक चुके हैं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, सरकार में आनी नहीं है सर, उत्साहित होइए लेकिन थोड़ा सा वक्त दूसरों को भी दीजिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मैथमेटिकल अंगणित हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हम सरकार बना नहीं रहे हैं। और हम संजय द्विवेदी जी को वेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि सरकार फॉर्म करें, हम तो चाहते कांग्रेस एनसीपी मिलके। मगर क्या कैबिनेट ने बहुत जल्दी ही मचा दी? राज्यपाल ने अगर सिफारिश कर दी तो कैबिनेट ने फॉर्म से मुहर लगा करके भेज दिया। शासन लगने का मतलब ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बना सकते, प्रयास करें ना। ठीक है, मैं तो वेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, संजय द्विवेदी जी वेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संजीव कौशिक जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको शिवसेना, शिवसेना, शिवसेना गई है सुप्रीम कोर्ट, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना था कि राज्यपाल ने ठीक नहीं किया और यह अदालत में जाकर के गिर जाएगा, आपकी निगाह में क्या? जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। वो कई बार सरकार में रहते हुए सरकार के साथ यदि कोई इस तरह की बात होती है तो वो बोलने में बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और विशेषज्ञ भी हैं, ज्ञानी भी हैं वो। नेशनल हेराल्ड केस में भी उन्होंने राहुल गांधी जी को बताया था। सर दोनों पहलू का है, आपकी पार्टी ने कहता है, आपने कहा क्या? जान जान लीजिए ना। ठीक है, तो हमने कहा वहां भी जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड वाला भी जान लीजिए। अरे सर बफोर से लेकर यूनिफाइड सिविल अपनी बात रखें। रफियता साहब एक सेकंड जी, संजीव जी सबसे बड़ी बात यही है कि हम मूल मुद्दे से दो मिनट में भटक जाते हैं, भटकाने वाले हैं एक से एक माहिर। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे साहब, कोई कह रहे हैं संविधान विशेषज्ञ, तो हमने यही कहा नेशनल हेराल्ड में भी वो संविधान विशेषज्ञ। उन्होंने कहा है यदि, तो मैं उनके समझ पे एतबार रखता हूँ, उन्होंने अपने समझ के अनुसार कहा है। बढ़िया प्रश्न रखना चाहूंगा एक चीज की, देखिए पूरे प्रकरण में एक तरह से संविधान को लेकर जो चीजें घटित हुई हैं वो राज्यपाल इससे बच सकते थे, काफी आसानी से बच सकते थे। और अभी भी जो वहां के पार्टियों को जो जिम्मेवारी लेनी है, चारों पार्टियों को काफी उनके ऊपर लोकतंत्र के का काफी जो है कि मजबूत जो है कि सारे देश की नजरें हैं वहां पे, तो उन्हें ध्यान में रखना और उनको गरिमापूर्ण व्यवहार करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करनी है। संजय द्विवेदी जी, क्या सबक मिला आज इतने 19 दिनों के बाद में, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद में कोई सबक तो लिया गया होगा महाराष्ट्र के अंदर? सबक ये मिला 30 साल गठबंधन रहने के बाद माननीय उद्धव ठाकरे झूठे आदमी है, ये सबक मिला भारतीय जनता पार्टी से। सरकार आप ही बनाए उनका पार्टी, सबक ये मिला आखिर में बोल दीजिए, झूठ सरकार आप ही की बनेगी, मुख्यमंत्री आप ही होगा, सरकार आप ही बनेगी, सरकार आपकी मुख्यमंत्री आपका होगा। ठीक है, सरकार आपकी होगी, मुख्यमंत्री आपका होगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो झूठे का मिला, मक्कारी का मिला, अरे मक्कारी सिंधुना को मिला आप बोल रहे हैं, दूसरे के प्रति मत दिखाई। चले चले आप एक मिश्रा जी, एक लाइन कोई सबक सियासी पार्टियों के साथ महाराष्ट्र के लिए कोई सबक? एक मिश्रा जी सबक ये है जो आज ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, यही डिसिप्लिन होके मैनेज किए होते, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को हटा देते, सरकार बन जाती। कोई ये एक्सपेक्ट करे एक मिनट कि राज्यपाल में होकर आज आगे बोले सरकार विभाग कर ले मारा जाएगा किसी के आधार पर। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बात निकाल करके आज लाइन टीवी के माध्यम से।